अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग कश्मीर में फिर से आप सबका खैर मकदम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है सादा कतल पोलिंग स्टेशन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है इधर भी कतारों में खड़ा है। और यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर खास बात ये देखने को मिल रही है कि यहां पर मर्द उतने नहीं है जितनी हमारी ख्वातीने हैं, यहाँ पर उतने मर्द नहीं है जितनी यहाँ पे ख्वातीने हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लोग जो है इंतजार कर रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि असेंबली इंतखाबात का दूसरा मरहला है आज, और आज के दिन आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह सवेरे से ही लोग जो है हर किसी पोलिंग स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आई और वो अपना वोट कास्ट करे। अगर असेंबली इंतखाबात की बात की जाए तो असेंबली इंतखाबात इस बारी 10 साल के बाद हुए, और ऐसे में अगर लोगों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के आवाम की बात करें तो जम्मू कश्मीर का आवाम कब से इंतजार कर रहा था कि कब कब असेंबली इलेक्शंस हो जाए और कब वो अपना वोट कास्ट करे और अपने मन पसंदीदा नुमाइंदे को चुने। और आप यहां पर देख सकते हैं कि मर्द हजरात से ज्यादा ख्वातीने यहां पर मौजूद है और यहां पर अपना वोट जो है कास्ट करने के लिए खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहां पर उतने मर्द नहीं मौजूद है जितनी यहां पर हमारी माएँ बहनें मौजूद है अपना वोट कास्ट करने के लिए। ऐसे में ये मिसाल कायम कर देती है कि एक मर्द हो या औरत हो, हर एक को हक है कि वो अपना वोट कास्ट करें और अपना वोट जो है वो जाया ना करें, क्योंकि एक वोट की वजह से आप अपना सही उम्मीदवार चुन सकते हैं और उसी के साथ साथ एक वोट की वजह से आप उस उम्मीदवार को चुनते हैं जो आपकी फला बहबूदी के बारे में बात करता है, जो कल को आपकी सोसाइटी को देख सकता है, आपकी बात सुन सकता है, और कल को आप उसके पास जाकर बात कर सकते हैं कि जी हमारे इलाके में ये मसला है। और अभी तक की अगर बात करें, अभी तक हमने देखा कि लगातार हर किसी पोलिंग स्टेशन पे, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे वो श्रीनगर बड़गाम हो, चाहे वो गांधरबल हो, लगातार हम देख रहे हैं हर किसी पोलिंग स्टेशन पर इसी तरीके की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। और अभी की अगर बात करें तो अभी हम तस्वीरें आपको सैदाकदल से पहुंचा रहे हैं, जहां पर अभी भी लोग जो है अपना वोट कास्ट करने के लिए लाइन्स में लगे हुए हैं। हालांकि अभी 11:30 बज चुके हैं और अभी भी सुबह से लोग जो है लाइन्स में लगे हुए हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ ख्वातीनों से बात करते हैं। मुझे नाम शायद अनकंफर्टेबल है बात करने के लिए, हम किसी और से बात करते हैं। यहाँ से आगे हमारे मर्द हजरात भी है जिनसे हम बात कर सकते हैं। और खास बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हैंडीकैप्ड लोग जो है उनके लिए इंतजाम रखे गए हैं, उनके लिए व्हील चेयर रखी गई है ताकि उनको भी वोट कास्ट करने में कोई भी परेशानी ना हो। ऐसे में अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन भी ने कल से ही तमाम सहूलियतें हर किसी पोलिंग स्टेशन पे रखी है ताकि जितने भी वोटर्स हैं जो अपना वोट कास्ट करने के लिए आते हैं उनको किसी भी तकलीफ का जो है सामना ना करना पड़े। कैसे पानुना सुबह पेट यूथ राश तू ये प्यारा पानु वोट कास्ट करने खातर क्यों चु महसूस खुशी छह के 10 वरी पद बिल्कुल ठीक है। क्या तुम वोटर मुतालिक वन वोट कूत जरूरी वोट जरूरी अम बन डेवलपमेंट अत बोज काद नोज ये कुछ नोज बत वा दिल बह वन दिल वाल बस नश ग बोज दिल मा हक बह वे लाल चौक तम सा वह दिल कत वा अस पुन नुमाद चुनावन जेन्युन नुमाद सैन कर सान काम तम कर आज तान काम कर अस नश बार बार आव मोन घर तुस बार बार आव कह मुसीबत तथा बकार मिशन आज तम वर कहें तुम लगातार सुबह पे लूक वोट त्रावान तुम अम ब्रोह तोट त्रोम तेज 10 वरी पत गो असेंबली इलेक्शन तमाम इत पा लूक घरों मज नान वोट त्रावने खुद कि डर थोड़ा बहुत वहम तुथ वहम मगर थोड़ा बहुत डर पचान लू क्या गो वोट क्या गो क्या गो अस क्या कर लूक गए अवेयर कि वोट चुन जाय करूं क्या वोट बिल्कुल लूक गए अवेयर कि वोट चुन जाय करूं पन हक वोट त्रम सोज सोन दाद कह पगह बनव अस बन पावर आब सड़क वो नौकरी सोरी
بقایت کامہ چھنا گاٹن چھ توٚمُل یہ خراب واتان بوجھ کس ونو کس یہ ماندرن ات راج ونکس اگر انشاء اللہ خدائن سہل کور یتھ سرکار بن ممکن چھ یہ بن گاش دار سرکار چاہے کس بن چاہے کس نہ بن تو یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ جاب یعنی کیا جاب پرووائڈ کرنا ان ایمپلائمنٹ کو دور کرنا ہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اگر اس ان کے علاقے کی بات کریں تو ان کے علاقے میں بجلی کا مسئلہ ہے ان کے علاقے میں پاور کا ان کے علاقے میں بجلی کا مسئلہ ہے ان کے علاقے میں سڑکوں کو لے کر پریشانی ہے ان کے علاقے میں پانی کو لے کر پریشانی ہے اور اگر یہ صحیح امیدوار چنتے ہیں اپنا من پسندیدہ امیدوار چنتے ہیں تو وہ ان کی بات سنے گا اور اس کے بعد اس پہ عمل کر کے اس کو ان پرابلمس کو سالو بھی کرے گا ابھی تصویریں جو آپ کو سیدہ کدل سے دکھا رہے ہیں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ جو ہے لائنز میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے ابھی گھروں سے آ رہے ہیں اور اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر رہے ہیں صبح 6 بجے سے ہی ووٹنگ شروع ہوئی اور صبح کی 6 بجے سے شام کی 6 بجے تک جو ووٹنگ ہے وہ چالو رہے گی اور لوگ جو ہے اپنے گھروں سے نکل کر اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کریں گے ہم نے دیکھا پورے مہینے لگاتار پولیٹیکل پارٹیز کیمپیننگ کر رہی تھی ہم نے دیکھا کہ ریلیز ہو رہی تھی ہم نے دیکھا کہ ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ ہو رہی تھی جو لیڈرز ہیں پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو اسمبلی الیکشنز کے لیے اٹھے ہیں یعنی کہ ہمارے جو امیدوار ہیں وہ لگاتار ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ کر رہے ہیں ریلیز کر رہے ہیں کنونشنز کر رہے ہیں لوگوں تک پہنچ رہے ہیں ان کے مسئلے مسائل سن رہے ہیں اور آج وہ دن آیا کہ لوگ جو ہے اپنا ووٹ کاسٹ کرے صحیح امیدوار چنے وہ امیدوار جو ان کے مسئلے و مسائل سنے گڈ مارننگ کشمیر کے لیے فی الحال اتنا ہی میں زرکا شفیع کیمرہ پرسن اشک نائک کے ساتھ